नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़, एपेक्स कोर्ट अप्रूव सीबीएसई असेसमेंट फार्मूला। देखिए, सीबीएसई ने और सीआईएससीई ने, सीबीएसई तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपको पता है, और सीआईएससीई क्या है, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। अब आपको पता है 12वीं कक्षा के बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं कैंसिल, तो अब इन बोर्ड के एग्जामों का रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, बच्चों को ये कैसे बताया जाएगा कि उनके परसेंटेज कैसे हैं, क्योंकि इस परसेंटेज के आधार पर आगे आने वाले समय में बहुत से और एग्जाम्स हैं जिनमें बच्चे अप्लाई करते हैं। तो सीबीएसई ने बोला है कि वो 30-30 और 40 फार्मूला को अपनाएंगे, मतलब 10वीं क्लास के नंबर को, 11वीं क्लास के नंबर को, 12वीं क्लास के नंबर को 30-30 और 40 के रेशियो में इंपॉर्टेंस देंगे। तो 10वीं क्लास के नंबर्स को 30% मार्क्स की वेटेज दी जाएगी, 11वीं क्लास के फाइनल एग्जाम्स को 30% मार्क्स की वेटेज, और क्लास 12th के मिड टर्म प्री बोर्ड एग्जाम्स को, चूंकि बोर्ड एग्जाम तो हुए नहीं, फाइनल एग्जाम तो कैंसिल हो गए कोरोना के पैंडेमिक के चलते, तो इसके मिड टर्म में जो नंबर आए हैं उसको 40% मार्क्स की वेटेज दी जाएगी। तो जिन्होंने अपने मिड टर्म को इग्नोर किया गया होगा किया होगा वो कहीं ना कहीं बीच में फंस गए होंगे। क्लास 12th के बेस्ट ऑफ 3 देखे जाएंगे, जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा ये बात। अभी सीबीएसई और सीआईएससी दोनों ने डिक्लेयर किया है कि 31 जुलाई से पहले वो लोग रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने ये पिटीशन भी फाइल की कि भाई कहीं ना कहीं ये बोर्ड एग्जाम जो कैंसिल किए गए हैं ये सही नहीं है, बोर्ड एग्जाम कैंसिल मत करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई देखिए, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल ही रहेंगे, ये रोल बैक नहीं किए जाएंगे। ओके, तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल होने वाला है। हाँ, सीबीएसई 30-30-40 के रिस्पेक्ट में कर रहा है, आईसीएसई का ये भी बोलना है कि भाई देखिए, हम लास्ट 6 क्लासेस के नंबर को कंसीडरेशन देंगे। भले ही सीबीएसई केवल 10वीं 11वीं 12वीं को दे रहा है, और यहाँ पे सीआईएससी यानी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम्स ये लास्ट 6 क्लासेस के नंबर्स को इम्पोर्टेंस देगा। तो कुल मिला के ये न्यूज़ इसीलिए इम्पोर्टेंट है, जो कि 12वीं कक्षा के बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं सबको ये खबर पता है। तो बस इंटरनल मेथडोलॉजी है कि कैसे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड अपने अपने बच्चों को पास या फिर नंबर अलोकेट करने वाले हैं आगे आने वाले जुलाई से पहले वाले रिजल्ट में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अच्छा लगे तो आप ज्वाइन बटन दबा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जो भी आपके डाउट्स हैं अगर सही लगे तो उनको वीडियो में डिस्कस करके जवाब देने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। वेबसाइट के लिंक्स जिसपे मैं करंट अफेयर्स अपलोड करता हूं वो भी आपको टेलीग्राम में मैं अपडेट कर देता हूं। नेक्स्ट न्यूज़, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से लोन आया है $484 मिलियन का, लगभग 3,500 करोड़ का। क्यों? ताकि चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके। ऑब्वियसली बात है, अगर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। अगर आप बात करो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक ही जाता है और इंडिया को जोड़ता है साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से। चूंकि समझिए बात को, ये रहा इंडिया और यहां पे है आपका तमिलनाडु, सॉरी चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चेन्नई कन्याकुमारी जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, आप कह सकते हो दिस इज अ पार्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये पूरा का पूरा जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें एक छोटा सा कॉरिडोर यहाँ पे है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और ये ऑटोमेटिकली हमें साउथ, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से जोड़ेगा। ईस्ट एशिया यहाँ से पास में, साउथ ईस्ट एशिया भी यहाँ से पास में। हम देखिए साउथ एशिया में ही आते हैं, साउथ एशिया में मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया, ये कंट्री हैं। साउथ ईस्ट एशिया में चले जाओ तो आप एंट्री मार जाओगे म्यांमार में, थाईलैंड में, और अगर ईस्ट एशिया में चले जाओगे तो और आप उधर फिलीपीन साइड पे चले जाओगे। तो ओवरऑल हमारे ईस्ट कोस्ट पे जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है वो हमारे देश के एसोसिएशन को साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से बढ़ाता है। ये जो फंडिंग है, ये 590 किलोमीटर्स का जो स्टेट हाईवे है इस चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, जो कि लगभग 23 डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, ओवरऑल चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच में लगभग 23 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, और उन 23 डिस्ट्रिक्ट्स में ये 590 किलोमीटर्स के स्टेट हाईवे को इस 3,500 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। तो इससे इंडस्ट्रियल हब्स विद हिंटरलैंड, आसपास के जो गांव गराज के इलाके हैं उनकी कनेक्टिविटी पोर्ट से बढ़ जाए, ये इंश्योर करेंगे ये स्टेट हाईवे, और कहीं ना कहीं इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल प्रोटेक्शन नेटवर्क में जुड़ी रहे। चूंकि समझिए बात को, हम जब भी कोई चीज़ इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं,
या जब भी कोई चीज़ इंडिया के अंदर इम्पोर्ट करते हैं, तो पोर्ट पे उतरने के बाद वो चीज़ इंडिया के इंटीरियर में कितनी जल्दी पहुंचेगी, या फिर इंडिया के इंटीरियर से वो चीज़ बनने के बाद कितनी जल्दी पोर्ट पे पहुंच के शिप पे लोड होकर फॉरेन जाएगी, इस बात पे डिपेंड करेगा कि बीच की सड़कें कैसी हैं। और यही स्टेट हाईवेज को यहाँ पे 3,500 करोड़ के लोन से बनाया जा रहा है। तो ओवरऑल ट्रेड एंड कॉमर्स में केवल पोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी होना, हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस होना, ये ज़रूरी नहीं है। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए हाईवे डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखो तो जो स्ट्रेटजी 2030 है, जिसको आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बोलते हो, इस प्रोजेक्ट में किस किस चीज़ के बारे में बात की गई? सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस, रोड सेफ्टी एलिमेंट्स। रोड प्रोजेक्ट्स के लिए 7 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और जब भी हाईवे अपग्रेड की बात होगी या हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात होगी, उसमें क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन मेजर्स को भी आपको रखना पड़ेगा अगर आप पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक से उठा रहे हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करिए, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, 19th of December 1966 को बनाया गया था। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। यूनाइटेड नेशंस डेवलपर है और ऑब्जर्वर है ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस का। 68 मेंबर्स है, जिसमें से 49 एशिया से हैं। काम क्या है? एशिया और पैसिफिक की कंट्रीज़ में पॉवर्टी को कम करना। कैसे? तो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा के, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ को ला के, रीजनल इंटीग्रेशन को ला के। तो ये लोन देता है, ग्रांट देता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर सर्विसेज में, फाइनेंशियल और पब्लिक सेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन में। अलग अलग नेशंस को उनके क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से रोकने के लिए भी ये एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे प्रोवाइड करता है, लोन के फॉर्म में भी, ग्रांट के फॉर्म में भी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस एशियन डेवलपमेंट बैंक की अपनी खुद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज हैं, वो भी कभी कभी ये इन कंट्रीज को प्रोवाइड करता है। अगर आप देखो तो तमिलनाडु स्टेट में ये रहा आपका चेन्नई और ये रहा आपका कन्याकुमारी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 590 किलोमीटर का हाईवे आपको नजर आ रहा है, जो कि लगभग टोटल 484 मिलियन डॉलर्स का आप कह सकते हो इसके लिए यहाँ पे लोन आ रखा है, 3,500 करोड़ का। हालांकि टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 6,448 करोड़ है। तो ऑब्वियस ये बात है, सब कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक से नहीं आएगा, कुछ पैसा आप कह सकते हो यहाँ पे राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार भी देगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर और जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आसाम सीक्स रीअलाइनमेंट ऑफ रेल ट्रैक टू सेंचुरी। आपने दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुना होगा। ये जो दीपोर बिल है, ये दीपोर बिल एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है और ये रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे पानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स भी, चूंकि दीपोर बिल एक्चुअली में एक लेक का नाम है। दीपोर बिल एक पेरेनियल मतलब कभी भी ना सूखने वाली फ्रेश वाटर लेक है। इसकी बहुत बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस है। ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है और इसके आसपास के पूरे इलाके को आप बोलते हो दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके जस्ट बगल में है रानी रिजर्व फॉरेस्ट, इसके बीच से एक रेलवे ट्रैक गुजरता है और उस रेलवे ट्रैक से अक्सर कर ट्रेन निकलती रहती है। अब इसी रेलवे ट्रैक के ऊपर से निकलते हैं आपके एलिफेंट कॉरिडोर्स और ये जो एलिफेंट्स हैं वो अक्सर कर पानी पीने के लिए आपके रानी रिजर्व फॉरेस्ट से दीपोर बिल में आ जाएंगे और दीपोर बिल से फिर वापस रानी रिजर्व फॉरेस्ट में चले जाएंगे और ऐसा करते वक्त वो इस रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरते हैं और अक्सर कर ये लड़ जाते हैं कहीं ना कहीं ट्रेन से और इनकी मौत हो जाती है। तो प्रॉब्लम यही बात बोली गई है कि ये जो आसाम की सरकार है वो ये बोल रही है कि ये जो रेलवे ट्रैक है जो ब्रॉड गेज का है, इससे लड़ लड़ के बहुत से हाथी मर रहे हैं। तो इसका क्या तरीका है? तरीका ये है कि इसको रीअलाइन कर दो, इस पर्टिकुलर इको सेंसिटिव इलाके से निकाल के इस रेलवे ट्रैक को कहीं और बनाया जाए। अब ऑब्वियस सी बात है इसके लिए खर्चा लगेगा और साथ साथ आसाम की सरकार ये भी बोल रही है चूंकि ये रेलवे ट्रैक एक इको सेंसिटिव जोन में है तो इको सेंसिटिव जोन में कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने से पहले हमको NGT का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा और ऑब्वियस सी बात सेंटर की तरफ से भी अप्रूवल आना चाहिए चूंकि पैसा लगेगा इसको बनवाने में। प्लस जब रेलवेज यहाँ से निकलती तो नॉइस पॉल्यूशन होता है, बगल में ही दीपोर बिल है तो बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि इस नॉइस पॉल्यूशन के चलते भाग जाती हैं। तो ओवरऑल इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ये जो रेलवे लाइन है, ये जो रेलवे ट्रैक है, इसको यहाँ से हटा के किसी और जगह बनाने की बात हो रही है। तो अब देखते हैं इस पर्टिकुलर इशू में क्या होगा। याद रखिएगा रानी रिजर्व फॉरेस्ट भी आसाम में, दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीपोर बिल फ्रेश वाटर लेक भी कहाँ पे आसाम में, किसके अंदर आता है ये? रामसर कन्वेंशन के अंदर। रामसर की बात की जाए तो एक वेटलैंड साइट जो कि रामसर कन्वेंशन के अंदर लिस्ट की गई वो होती है रामसर साइट। इंडिया में टोटल 42 रामसर साइट है। 2 February 1971 को इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड साइन हुआ था
एक ईरान के शहर में जिसका नाम है रामसर, ठीक है। यहाँ पे कुछ रामसर साइट्स आइडेंटिफाई की गई जिसके ऊपर कन्वेंशन भी नजर रखेगा और कहीं ना कहीं देश की सरकार को भी उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो रामसर कन्वेंशन था या फिर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ये एस्टैब्लिश हुआ 1971 में, फोर्स में आया 1975 पे जब यूनेस्को ने इसको अडॉप्ट किया। रामसर कन्वेंशन में 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं। इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को साइन किया 1 फरवरी 1982 को। चिल्का लेक लार्जेस्ट रामसर साइट है, इसका सरफेस एरिया है 116,500 हेक्टेयर। अगर आप बात करो तो इंडिया की सबसे पहली रामसर साइट्स थी चिल्का लेक उड़ीसा में और क्यूलादियो नेशनल पार्क राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं 8। रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश का है वो देश का सबसे छोटा वेटलैंड है जिसका सरफेस एरिया है 20 हेक्टेयर का। जनरल स्टडीज पेपर 2 में एनवायरमेंट कंजर्वेशन के रिस्पेक्ट में न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं WHO के ग्लोबल ट्यूबर क्लोसिस प्रोग्राम के बारे में। ये रिसेंटली हुआ ये है कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर एक वर्चुअल इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया जिसका नाम था ग्लोबल ड्राइव टू स्केल अप टीबी प्रिवेंशन। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो WHO के ग्लोबल ट्यूबर क्लोसिस प्रोग्राम ने इसको ऑर्गेनाइज किया। तो इस हाई लेवल इवेंट पे क्या बातचीत होगी? ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश के लेवल पे, अलग अलग देशों के लेवल पर, पूरी दुनिया के लेवल पे कैसे 2022 तक टीबी को ख़त्म किया जाए। एक्चुअली में 2022 तक UN हाई लेवल मीटिंग का टारगेट है टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को लेके। 2018 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन ट्यूबरक्लोसिस आया था और यहाँ पे एक ओवरऑल ग्लोबल एफर्ट को शुरू किया गया था टीबी एपिडेमिक को रोकने के लिए। एम्बिशियस टारगेट सेटअप किए गए थे। टारगेट्स क्या थे कि 2022 तक 40 मिलियन पीपल यानी कि 4 करोड़ पीपल को पहली बात तो डायग्नोस किया जाएगा कि हाँ भाई उनको टीबी है कि नहीं है, और उसके बाद उनको प्रॉपर बीमारी से इजाद पाने के लिए केयर दी जाएगी, इनको ट्रीट किया जाएगा। इसके लिए सालाना $13 बिलियन दुनिया भर में इकट्ठे किए जाएंगे और सालाना एक्स्ट्रा $2 बिलियन रखे जाएंगे रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ताकि टीबी से रिलेटेड बीमारी कैसे ना फैले इसके बारे में पता किया जाए, इफेक्टिव दवाइयाँ बनाई जाए। तो कहीं ना कहीं जो 40 मिलियन लोगों को, 4 करोड़ लोगों को ट्रीट करने का प्लान है 2022 तक, इंडिया इसको अपनी कमिटमेंट दे रहा है कि भाई वी आर वेरी मच कमिटेड टू इट। ठीक है, इंडिया में अगर बात करोगे तो आप 2020 में देखोगे तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप पहली फ्री टीबी यूनियन टेरिटरी है और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बदगांव इन जम्मू एंड कश्मीर ये देश की पहली टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट है देश में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं टीबी से रिलेटेड। अगर आप बात करो तो टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, पहले टीबी का इन्फेक्शन आता शरीर में फिर वो डिजीज़ में कन्वर्ट होता है। तो भाई पहली बात तो लोग इन्फेक्ट ना हो, दूसरी बात जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उनको सही समय पर ट्रीटमेंट मिल जाए ताकि वो डिजीज़ में कन्वर्ट ना हो। इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना इंडिया के लिए ज़रूरी है और इसीलिए इंडिया नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान टू एंड टीबी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। 2025 तक हमें टीबी को इंडिया से एलिमिनेट करना है। अब तक अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों में 5 करोड़ लोगों को ट्रीटमेंट मिला है टीबी को लेके पूरी दुनिया भर में। इंडिया में अगर बात की जाए टीबी के स्टैटिस्टिक्स से तो लक्षद्वीप और बदगांव वाली जो फैक्ट है वो याद रखना। 2019 में टीबी के 20.0 लाख केसेज आए आपके इंडिया के अंदर, 2018 से 14% ज़्यादा थे। हालांकि मिसेस केसेज इंडिया में कम हुए। 2017 में मिसिंग केसेस टीबी के थे 10 लाख, 2000 आप कह सकते हो 18 में हो गए 2.9 लाख। मिसिंग केसेस क्या होते हैं? मिसिंग केसेस टीबी के वो केसेस होते हैं जिनको गवर्नमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि इनको टीबी है। चूंकि देखिए अगर आपको टीबी है तो आप किसी और को भी टीबी कर सकते हो खांस खांस के, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि भाई किस पर्टिकुलर पर्सन को टीबी है, उसको सही तरीके से कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो लोग नहीं आइडेंटिफाई हो पाए, उनको नहीं ट्रीटमेंट मिल पाए, उनको आप बोलते हो मिसिंग केसेस। चिल्ड्रंस की बात की जाए तो प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डायग्नोस्ड विद टीबी इंक्रीज टू 8% इन 2019। तो भैया वो बच्चे जो टीबी से डायग्नोज हुए हैं जिनमें टीबी मिला है तो ये 8% हो गए हैं 2019 में कंपेयर टू 6% इन 2018। फिर प्रोविजन ऑफ HIV टेस्टिंग फॉर ऑल नोटिफाइड टीबी पेशेंट्स इंक्रीज फ्रॉम 67% टू 81%। तो 2018 में जितने लोग भाई टीबी से इफेक्टिव थे उनमें 67 लोगों की HIV टेस्ट हुई, 67% लोगों की 2018 में, और 2019 में 81% लोगों की HIV टेस्टिंग हुई। इस प्रकार से और भी चीज़ें हैं। एक्सपेंशन ऑफ ट्रीटमेंट सर्विसेज हैज रिजल्टेड इन 12% इंप्रूवमेंट इन द ट्रीटमेंट सक्सेस रेट ऑफ नोटिफाइड पेशेंट्स फॉर 2019 इट इज 61% कंपेयर टू 69%। कहने मतलब क्या है कि जो ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं टीबी में ये कितनी सक्सेसफुल हैं, तो सक्सेस रेट यहाँ पे 12% बढ़ा है। तो 2018 में टीबी ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट था 69%, ये रेट 2019 में 12% ज़्यादा हो गया है
81% हो गया। ये इंडिया की एनुअल टीबी रिपोर्ट बोलती है 2020 की। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की। इंडिया की 43rd रैंक है एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। इस रैंक को कौन कंपाइल करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इस रैंक को कंपाइल करता है। ओके, इस पर्टिकुलर लिस्ट में टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। सेकंड पे कौन है? स्वीडन। ओके, लास्ट ईयर स्वीडन 6th पोजीशन पे था, इस बार सेकंड पे आ गया। यहाँ पे रैंक्स बता रखी कौन किस किस रैंक पे है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया 43rd रैंक पे। एशिया में अगर आप बात करो तो चाइना आ जाता है आपका 16th रैंक पे। रशिया आ जाता है 45th पे। तो रशिया कहीं ना कहीं इंडिया से पीछे हो रहा है। ब्राज़ील 57th पे और साउथ अफ्रीका 62nd पे। कहीं ना कहीं इंडिया ने अपनी ये जो 43rd पोजीशन है इसको मेंटेन करके रखा है पिछले 3 सालों में। तो याद रखिएगा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स एनुअली ये कंपाइल होती है। कौन इसको रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, अच्छा 64 इकोनॉमीज को यहाँ पे रैंक किया गया। यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है क्या, ये करता क्या है। तो दिस वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग इट मेजर्स और इट एसेसेस टू द एक्सटेंट टू विच अ कंट्री प्रमोट्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल। मतलब एक देश अपने ही लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या काम कर रहा है, कैसे उनकी इकोनॉमिक वेलबींग को मेजर कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, इस बात को एसेस किया जाता है इस वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग के थ्रू। ओके, इसके लिए हार्ड डाटा भी लिया जाता है, सर्वे रिस्पॉन्सेज एग्जीक्यूटिव से लिए जाते हैं। ओके, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो आया है पैंडमिक का पूरे ग्लोब में, इसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब आप कह सकते हो कि कंसीडर किया गया है। फिर भाई रिपोर्ट ये भी देखती है कि जो इनोवेशन में, डिजिटलाइजेशन में, वेलफेयर बेनिफिट्स में, लीडरशिप में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उस इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी क्या है। इंडिया की जो रैंकिंग है बहुत गिरनी चाहिए थी इस बार, बट कहीं ना कहीं इंडिया ने अपनी रैंकिंग मेंटेन रखी है। कैसे मेंटेन रखी है? तो रिलेटिवली स्टेबल पब्लिक फाइनेंसिस की वजह से। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की डेफिसिट है वो 2020 में 7% पे थी, और ज़्यादा भी हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपने जो पब्लिक फाइनेंसिस इनको स्टेबल करके रखा हुआ है। सरकार सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही लोगों को। तो इन बेसिस पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हमारी रैंकिंग को इस वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में एक लिमिट से ज़्यादा नीचे नहीं गिराया गया। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और जनरल स्टडीज पेपर 3 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में न्यूज़ आपको काम आएगी। तो आज इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल सीखने को मिला होगा। करंट अफेयर्स के और आर्टिकल्स में जल्दी लेके आऊँगा। अभी रिसेंटली थोड़े बहुत करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स रुक गए, एकदम से बहुत सारे आएंगे। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।